जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर चुनाराम जाट के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कृष्णा कॉलोनी निवासी लोकेश पुत्र ओम प्रकाश वाल्मीकि को अवैध देशी पिस्टल तथा 3 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के अनुसार सिटी थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक युवक छावनी फाटक क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। जानकारी के बाद एक टीम का गठन कर उसे मौके पर भेजा गया, जहां पर उक्त युवक ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान सामने आया कि लोकेश के पास इसका कोई लाइसेंस या परमिट नहीं है। इस पर पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।